नमस्कार, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो। अभि चतुर्वेदी में अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि के लिए। 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आपका समय कैसा रहने वाला है, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, शिक्षा, सेहत, कैरियर, बिजनेस, जॉब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी राशियाँ बताएंगे, अगर इन राशियों से आपका चाहे रिलेशनशिप हो या फिर नॉर्मल फ्रेंड हो या फिर आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर इन राशियों के कोई आपके पार्टनर हो जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा था, तो ये आपके जीवन में वापस आकर रहेंगे। बहुत अच्छा संयोग बन रहा है गोचर में ग्रहों का। वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पूर्व हम आपको बता दें, जानकारी जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ये गोचर के अनुसार और चंद्र राशि के आधार पर कर रहे हैं। कई दर्शक ऐसे भी होंगे शायद जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता हो, वह अपने नाम राशि से देखवा सुन सकते हैं। कुंभ राशि, जाहिर सी बात है शनि की 7:30 ही चल रही है। शनि ही आपकी राशि के स्वामी है और सबसे बड़ी चीज शनि ही आपके लग्न में विराजमान है। शनि का बहुत बड़ा रोल चल रहा है आपकी लाइफ में। काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको देखने को मिल रहा होगा कोई भी वर्क वगैरह कर रहे होंगे ना, तो उसमें सफलता नहीं मिल रही होगी, काम बीच में छोड़ने पड़ रहे होंगे। कई बार आपकी शादी में भी बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, वैवाहिक जीवन में या फिर शादी भी नहीं हो रही होगी, कई लोगों के साथ ऐसा भी कुछ हो रहा होगा। कई ऐसे भी दर्शक होंगे जिनकी कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है या अष्टम भाव पीड़ित है, जाहिर सी बात है उनकी लव लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो रिश्ता है वो बिल्कुल बेकार चल रहा है। मतलब कंडीशन ये है कि दूसरा व्यक्ति अपने साइड से तो कोई बात ही नहीं करता है, अगर आप अपने साइड से कर लो तो वो नॉर्मल बात कर लेगा, हाय हेलो, उसके अलावा वो बात नहीं करता है। आप अगर ये जानना चाहें वो व्यक्ति किस वजह से बदला है, कौन से ग्रह की वजह से, और आपके जीवन में वो पुनः वापस आएगा या नहीं आएगा, उसकी रियलिटी क्या है, तब आप पर्सनल संपर्क कर लेना। थोड़ा चार्ज जरूर लगेगा लेकिन आपको हकीकत पता लग जाएगी। हम और लोगों की तरह आपको मिस गाइड नहीं करेंगे, जो सत्य होगा आपको वही बताएंगे। आपको पता है अभी 10 दिन पहले हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दौरे पे थे, आपको पता होना चाहिए अगर आप हमारे दर्शक हैं। तब वहाँ पर हमने जितने लोगों की जो लोग जो विजिट पे गए थे, जिन लोगों ने कुंडली दिखवाई, एक ऐसे महाशाई थे जो कि बोल रहे थे गुरु जी हमारा, मतलब उनके साले थे और वो सुसाइड के लिए भी उसने कई बार सोचा था बट उसकी जॉब नहीं लग पा रही थी, बहुत हताश हो गया था वो अपने लाइफ में। अभी हम बोल के आए थे आप परेशान मत हो, इसकी जॉब लग जाएगी। छत्तीसगढ़ में एएसआई का भी रिजल्ट आया है 4-5 दिन पहले, उसका सिलेक्शन हो गया है उसमें। ईश्वर की कृपा से लोगों को जो गाइडेंस दी जाती है वैसा ही उनके साथ होता है। हम आपको अगर कुछ बताते हैं तो हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है कि आपका वो काम हो, है ना। हम ऐसे ही किसी को मिसगाइड नहीं करते हैं, जो रियलिटी होती है वही बताते हैं। चलिएगा, अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पर। आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, इस सप्ताह में सबसे बड़ी आपको खुशी अगर मिलने वाली है आपके लव लाइफ में मिलने वाली है। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपका या वैवाहिक जीवन हो, हम कह सकते हैं तीनों चीज़ों में बहुत खुशी मिलने वाली है पार्टनर की तरफ से। पार्टनर बहुत समय देगा, हर एक बात आपसे शेयर करेगा, आपसे झूठ नहीं बोलेगा और हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वो व्यस्त रहेगा अगर बाहर रहता है तब। सेकंड नंबर, अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं तो आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी। आपको अगर कोई छोड़ के चला गया था वो आपके जीवन में वापस आएगा, हम कह सकते हैं वो आपके लिए वैसे तड़पेगा जैसे जल बिन मछली तड़पती है। अगर कोई आपका एक्स पार्टनर मेष राशि का रहा हो या फिर कोई व्यक्ति कर्क राशि का या सिंह राशि का या कोई व्यक्ति तुला राशि का या कोई मकर राशि का या मीन राशि का, इन राशियों के एक्स पार्टनर की 100% वापसी होगी और इनके साथ आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा, हम कह सकते हैं पहले की तरह देखने को मिलेगा। वहीं पर आपको ध्यान देने की अगर आवश्यकता है, अपने बहुत करीबी जनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो कुटुंबी जन हो या फिर आपके रिश्तेदार हों, इस सप्ताह में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात को लेके उनसे कहा सुनी आपकी हो सकती है। हो सकता है कि वो लोग
आपके साथ कुछ गलत करने के लिए सोच रहे हों, अगर आपका कोई फैमिली मैटर चल रहा था, जैसे मान लो धन से संबंधित या फिर जमीन से संबंधित कोई विवाद चल रहा था आपका फैमिली में, तो उस रिश्ते में मतलब उस जगह पे आपको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही इस सप्ताह में आपको सेकंड नंबर की खुशी मिलेगी अगर आप अपने पार्टनर से लव मैरिज करने के लिए सोच रहे थे या फिर उनकी फैमिली से बात करने के लिए। अब अच्छा समय है तो इस सप्ताह में सबसे बेस्ट समय रहेगा, कर सकते हैं बात और उनकी फैमिली आपके रिश्ते को एक्सेप्ट भी कर लेगी। इस सप्ताह में सुख सुविधाएं देखने को मिलेंगी, आपकी यात्रा भी संभव हो सकती है अगर आप काफी समय से ट्राई कर रहे थे कहीं जाने के लिए। तब इस सप्ताह में आपके लिए एक और खुशी देखने को मिलेगी अगर आप मैरिड हैं। तब अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे थे, बहुत अच्छा संयोग है इस सप्ताह में। लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान देना होगा, अपने शत्रुओं से भी, आपके शत्रु इस वीक में आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इस वीक में आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है सेहत के ऊपर। आपको हो सकता है कि कोई पुरानी बीमारी ही आपको परेशान करने लग जाए, तो आपको सेहत में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं कर सकते तो कम से कम शाम के समय डेली हनुमान सॉरी शनि चालीसा का पाठ जरूर करें आप, अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें आपके जो लोग एजुकेशन में हैं, उनका इस मतलब वीक में एजुकेशन में इतना अच्छा समय देखने को नहीं मिलेगा। जो लोग फ्यूचर के लिए परेशान हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में 100% आपको सफलता मिलेगी। और पहले से ही आप अगर जॉब कर रहे थे तो आपके रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, आपके बॉस के साथ। लेकिन वहीं गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके प्रति आपके ही स्टाफ वाले लोग ईर्ष्या करने लगे या फिर राजनीति टाइप में करें, तो वहाँ थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप अगर बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, दीपावली के बाद आपका बिजनेस हम कह सकते हैं ग्रोथ करने वाला है, अच्छा समय देखने को मिलेगा। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे थे, बहुत अच्छा समय है, कार्तिक का महीना है, आप कर सकते हैं, आपको इसमें भी हम कह सकते हैं सफलता मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग फॉरेन जाने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संयोग है नवंबर के 2 तारीख से। ये सुनना चाहा और कुंडली में अगर आपके दोष नहीं हुआ तो 100% आप जाकर रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। आपके साथ जो हमने जानकारी साझा की है गोचर के अनुसार चंद्र राशि के आधार पे की है, आपसे पुनः निवेदन है, आप रियलिटी जानना चाहें तो आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।